हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं नीतू वत्स आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द जी एस सूत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत के 8 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, और इसके साथ ही मैं उनके तो नाम आपको बताऊंगी ही, प्लस जितने भी जो भारत के 28 राज्य हैं उनके राज्यपालों के नाम से भी अवगत कराऊंगी, और साथ ही में जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके राज्यपाल के भी बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि राज्यपाल के पद के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत गणराज्य में राज्यपाल 28 राज्यों में राज्य प्रमुख का संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करते हैं और वे राष्ट्रपति की मर्जी पर पद पर रहते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार का विधित मुखिया होता है, जिसकी कार्यकारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर संपन्न होती है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। थावरचंद गहलोत अभी तक वे केंद्र में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 8 राज्यों के नए राज्यपाल। देखिए फ्रेंड्स पिक्चर सहित, कर्नाटक के जो नए राज्यपाल बने हैं ये आपके थावरचंद गहलोत। वहीं अगर बात करें मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम के जो नए राज्यपाल बने हैं फ्रेंड्स, ये हैं आपके हरिबाबू कंभमपति। वहीं मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये बने हैं मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल। वहीं बात करें पीएस श्रीधरन पिल्लई की, तो ये बने हैं गोवा के नए राज्यपाल। त्रिपुरा के नए राज्यपाल देखते हैं फ्रेंड्स, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। वहीं बात करें रमेश बैस की, तो ये झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं बात करें अगर राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर की, तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिबाबू कंभमपति विशाखापट्टनम से सांसद रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश भाजपा इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है फ्रेंड कि जो हरिबाबू कंभमपति हैं ये कहाँ से सांसद रहे हैं या किस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो इसीलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिबाबू कंभमपति विशाखापट्टनम से सांसद हैं। वे आंध्र प्रदेश भाजपा इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। चलिए बात करते हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल की, तो इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुजरात के दिग्गज नेताओं में शामिल छगन भाई सोशल वर्कर के तौर पर जाने जाते हैं और वे गुजरात के मंत्री भी रहे हैं। नोटिसेबल पॉइंट फ्रेंड्स आप रखेंगे कि गुजरात के दिग्गज नेताओं में शामिल छगन भाई सोशल वर्कर के तौर पर जाने जाते हैं तथा गुजरात सरकार में मंत्री रहे हैं। वे नवसारी से ताल्लुक़ रखते हैं। कहाँ से फ्रेंड्स? ये नवसारी से ताल्लुक़ रखते हैं तथा राज्य विधानसभा में डिप्टी स्पीकर तथा स्पीकर भी रह चुके तथा इन्हें मोदी का करीबी भी माना जाता है। चलिए बात करते हैं राजेंद्रन विश्वनाथन अर्लेकर की, तो इन्हें हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। ये नोट डाउन करेंगे आप। ये गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। ये बिजनेसमैन भी रहे हैं। ये बचपन से ही संघ से जुड़ गए थे। 1989 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। वे पार्टी में कई प्रमुख पदों पर रहे हैं तथा जब 2014 में मनोहर पर्रिकर को केंद्रीय रक्षा मंत्री बनाया गया तब गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी इनका नाम चला था। हालांकि बाद में कुर्सी लक्ष्मीकांत पारेसर को मिली थी। ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं। चलिए बात करते हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई की, को गोवा के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित और नियुक्त किया गया है। ये अभी तक मिजोरम के राज्यपाल रहे। नोटिसेबल फैक्ट है फ्रेंड, आप याद रखेंगे कि ये अभी तक मिजोरम के राज्यपाल थे। ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा के अच्छे जानकार हैं। पिछले लॉकडाउन में इन्होंने खाली समय का सदुपयोग करते हुए 13 किताबें लिखी थी। ये प्रख्यात वकील भी रहे हैं। इनकी पहली किताब 1983 में छपी थी। अब तक ये 105 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। ये नोट करेंगे फ्रेंड्स आप। चलिए बात करते हैं सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई है। ये अभी तक हरियाणा के
ये अभी तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। ये नोटिसेबल पॉइंट है फ्रेंड। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सत्यदेव नारायण त्रिपुरा के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो ये हरियाणा के राज्यपाल थे। इन्हें भीमराव अम्बेडकर की दूरगामी सोच सामाजिक समरसता के मुख्य उदाहरण पेश करने वाली शख्सियतों में गिना जाता है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इसी श्रेणी में आते हैं। चलिए बात करते हैं रमेश बैस की, तो इन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया गया है। ये अभी तक त्रिपुरा के राज्यपाल थे। नोटिसेबल पॉइंट है फ्रेंड कि ये अभी तक त्रिपुरा के राज्यपाल थे। ये द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे छत्तीसगढ़ के, किसकी जगह लेंगे फ्रेंड, द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं में शामिल रमेश बैस अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं। वहीं बात करें बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय अभी तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत संघ RSS के प्रचारक के तौर पर हुई थी। ये मीसाबंदी रहे हैं। 1980 में इन्होंने BJP ज्वाइन की तथा उन्हें उनके गृह क्षेत्र में पीपुल्स लीडर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनके गृह क्षेत्र में पीपुल्स लीडर किसे कहा जाता है, तो बंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा के नव राज्यपाल नियुक्त हुए हैं फ्रेंड्स, इन्हें इनके गृह क्षेत्र में पीपुल्स लीडर कहा जाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं अपने राज्यों और उनके नवनिर्वाचित राज्यपालों को। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं फ्रेंड्स श्री विश्वभूषण हरिचंदन। वहीं अरुणाचल प्रदेश के हैं फ्रेंड्स ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जो कि सेवानिवृत्त हैं। यहीं बात करें अगर असम की, तो असम के हैं प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। बिहार के हैं आपके श्री भागु चौहान। छत्तीसगढ़ के हैं आपके सुश्री अनसुईया उइके। वहीं बात करें अगर गोवा की, तो गोवा के अभी बने हैं फ्रेंड्स CPS श्रीधरन पिल्लई। गुजरात की बात करें तो यहाँ के आचार्य देवव्रत। हरियाणा जो अभी फ्रेंड्स अभी चेंज हुए हैं आपके श्री बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के भी नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। वहीं बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड के नव निर्वाचित जो राज्यपाल हैं ये हैं फ्रेंड श्री रमेश बैस। वहीं कर्नाटक की बात करें तो श्री थावरचंद गहलोत को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केरल के हैं आपके श्री आरिफ मोहम्मद खान। वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो ये हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। और महाराष्ट्र के आपके राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। मणिपुर के राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। मेघालय के राज्यपाल हैं श्री सत्यपाल मलिक। मिजोरम की बात करें तो श्री डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति जो कि अभी निर्वाचित किए गए हैं। नागालैंड की बात करें तो श्री RN रवि। वहीं उड़ीसा के हैं आपके प्रोफेसर गणेशी लाल। पंजाब के श्री VP सिंह बदनौर। राजस्थान के श्री कलराज मिश्र। सिक्किम के श्री गंगा प्रसाद। तमिलनाडु की बात करें तो श्री बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना की बात करें तो श्री तिलसाई सौंदा राजन। यह भी DSSV में क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, नोट डाउन करेंगे। वहीं अगर बात करें त्रिपुरा की फ्रेंड, तो श्री सत्यदेव नारायण आर्य जो अभी नवनिर्वाचित नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो श्री आनंदीबेन पटेल। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो श्रीमती बेबी रानी मौर्य। पश्चिम बंगाल के हैं आपके श्री जगदीप धनखड़। चलिए बात करते हैं हम अपने 8 केंद्र शासित प्रदेशों की, उनके राज्यपालों की। तो पहला है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ के आपके राज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहीं बात करें अगर चंडीगढ़ की, जो कि एक UT यानी यूनियन टेरिटरी है आपकी, श्री BP सिंह बदनौर जो कि प्रशासक के रूप में हैं। वहीं अगर बात करें दादर नगर हवेली की तथा दमन और दीव की, तो इनके हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली की बात करें तो श्री अनिल बैजल जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को सुशोभित किए हुए हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के आपके श्री मनोज सिन्हा। वहीं बात करें लक्षद्वीप की, तो ये हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। पदुचेरी की बात करें तो फ्रेंड्स ये हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदराराजन, अतिरिक्त प्रभार लेफ्टिनेंट गवर्नर का संभाले हुए हैं। वहीं बात करें लद्दाख की, तो श्री राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराती हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इनके जो राज्यपाल हैं इनकी बात करते हैं, एक बार आपको आपका रिवीजन कराते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हैं आपके एडमिरल DK जोशी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। यहाँ के
चंडीगढ़ के हैं आपके श्री वीपी सिंह बदनौर प्रशासक, वहीं दादर नगर हवेली तथा दमनदीप की बात करें तो श्री प्रफुल्ल पटेल, दिल्ली की बात करें श्री अनिल बैजल, जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्री मनोज सिन्हा, वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो श्री प्रफुल्ल पटेल, पुदुचेरी के आपके डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, अतिरिक्त प्रभार लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहीं बात करें अगर लद्दाख की तो यहाँ आपके श्री राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 28 राज्य व उनके 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नवनिर्वाचित राज्यपाल। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।